थ्री टेन टू यूमा एक ऐसे सच्चे और महान सिपाही की कहानी है जो अपने विचारों से बिना कुछ बोले बिना किसी प्रयास के एक खतरनाक खूनी को पूरी तरह से बदल देता है। एक ऐसा क्रिमिनल जिसने अनगिनत लोगों की जान ली होती है और उसे पकड़ने के लिए कई शहरों की पुलिस तलाश में होती है। और इस कहानी में हम ये जानेंगे कि किस तरह से एक ईमानदार सिपाही जो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है, जिसे एक दिन के खाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, वो कैसे अपने सिपाहियों के साथ मिलकर क्रिमिनल वेट को जेल तक पहुंचाने की योजना बनाता है। और आखिरी मोमेंट पे जब सिर्फ डैन अकेला जिंदा बचा होता है और उसके सामने वेट के 20 गैंग मेंबर्स उसे मारने के लिए खड़े होते हैं, तो आखिर ऐसा क्या होता है कि एक क्रिमिनल डैन की पर्सनालिटी से इन्फ्लुएंस हो जाता है और डैन को वहां से सेफ निकालना चाहता है। इसलिए वेट डैन को वहां से भाग जाने को कहता है और उसे $1,000 का लालच भी देता है। पर डैन अपने वसूलों का पक्का होता है, इसलिए वो अकेले ही वेट के गैंग मेंबर्स का सामना करके उसे ट्रेन तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है, जो कि सेंट्रल जेल तक जाने वाली होती है। आधे रास्ते में डैन जख्मी हो जाता है और वो खड़े होने की हालत में भी नहीं होता। ऐसा देखकर वेट अपने गैंग मेंबर्स को मार के खुद को ही जेल तक पहुंचाता है। तो आखिर क्यों एक शातिर क्रिमिनल अपने ही गैंग मेंबर्स को मारता है और खुद को ही जेल के हवाले कर देता है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी 3:10 to Yuma में। वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी। मूवी की शुरुआत में हमें डैन की फैमिली को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा डरे और सहमे लग रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ डगर नाम का एक आदमी आता है और उनके फार्म हाउस को आग लगा देता है। आग को देखकर डैन दौड़ के बाहर जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। डगर उनसे कहता है कि अगर जल्दी तुमने कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारे पूरे घर को इसी तरह से चला दूंगा, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर विलियम, जो डैन का बेटा है, उसे बहुत बुरा लगता है और गुस्से में वो अपने पापा से कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, और ऐसा बोलकर चला जाता है। एक्चुअली डैन बहुत विवश होता है, वो अपनी फैमिली के खाने का भी इंतजाम नहीं कर पाता। उसने अपना एक पैर 3 साल पहले किसी बैटल में खो दिया था। अगले दिन डैन अपने बेटे विलियम और मार्क के साथ हॉलैंडर को मारने बिस्बी टाउन जा रहा होता है। हॉलैंडर वही आदमी है जिससे डैन ने लोन लिया था और उसी ने डैन के फार्म हाउस को आग लगवाई थी। रास्ते में जाते समय वो एक गैंग को देखता है जो कई निर्दोष लोगों को मारकर रॉबरी कर रहे होते हैं, और इसका लीडर और कोई नहीं वेड होता है। वेड उन्हें देख लेता है और वो वहाँ से बच के निकलने के लिए डैन के घोड़े को अपने साथ लेके वहाँ से चला जाता है ताकि वो उसका पीछा ना कर सके। पर कुछ दूर आगे चलने पर डैन को अपने घोड़े बंधे हुए मिलते हैं और वो सीधे वहाँ से बिस्बी टाउन चला जाता है। डैन रॉबरी इंसिडेंट वाले जगह पर आए हुए पुलिस को सब कुछ बता देता है और इसलिए पुलिस डैन की तलाश में जुट जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और डैन पे फोकस करता है, जो गन लेकर हॉलैंडर के तलाश में एक बार में पहुंचता है जहां वो वेट से टकराता है। डैन के हाथ में गन देकर वेट उसके मरी हुई गायों के लिए पैसे देता है और डैन मौके का फायदा उठाते हुए अपने दिन की भी मजदूरी मांगता है। हालांकि वो एक दिन का $2 कमाता है, पर वेट उसे आधे दिन के ही $2 दे देता है। पर तभी अचानक पीछे से मार्शल अपने पुलिस वालों के साथ आकर डैन को अरेस्ट कर लेता है। वेट को ले जाने के लिए मार्शल को 3 गार्ड चाहिए होते हैं, पर उस वक्त वहां सिर्फ 1 गार्ड बटरफील्ड मौजूद होता है। ऐसा देखकर हॉलैंडर अपने पर्सनल बॉडीगार्ड टकर को दे देता है, पर फिर भी 1 गार्ड की कमी होती है। इस पे डैन बताता है कि वो उत्तर की तरफ से फौज में नौकरी कर चुका है और वो इनकी मदद कर सकता है। डैन उनके साथ चलकर वेट को ट्रेन तक पहुंचाने के $200 मांगता है और बटरफील्ड उसकी इस बात से एग्री करता है। और अब ये सभी डैन के घर की तरफ निकल पड़ते हैं, जो यूमा जेल के रास्ते में पड़ता है। और जब ये बाहर जाते हैं तभी मेन गैंग मेंबर चार्ली प्रिंस आता है और वो पूरे शहर को सुबह तक जला देने की धमकी देते हुए वहाँ खड़े 2 लोगों को मारकर भाग जाता है। अब ये लोग वेट को बोगी में बैठाकर डैन के घर निकल पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें चार्ली प्रिंस दूर से नोटिस कर रहा होता है, इसलिए मार्शल एक प्लान बनाता है कि वो लोग वेट को बोगी से निकाल कर उसकी जगह दूसरे पुलिस वाले को वेट के कपड़े पहनाकर बैठा देते हैं ताकि चार्ली प्रिंस बोगी का पीछा करे और इधर मार्शल वेट को लेके दूसरी तरफ से निकल सके। और अब सब लोग साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और वेट को विलियम बहुत गौर से देख रहा होता है, क्योंकि विलियम को पावरफुल लोग बहुत पसंद होते हैं। खाना परोसते वक्त वेट डैन की वाइफ को देखता है और उसकी हरी आंखें देखकर उसकी खूबसूरती से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोगी यूमा के लिए निकल पड़ती है और रास्ते में उस बोगी को चार्ली प्रिंस रोक लेता है, और जब उसके पास जाके वो देखता है तो उसमें वेट नहीं कोई और होता है।
ये देखकर चार्ली प्रिंस गुस्से में अंदर बैठे हुए पुलिस को बोगी के साथ ही चला देता है और वहाँ उसे पता चलता है कि वेड को दूसरे रास्ते से यूमा जाने वाले ट्रेन तक ले जाया जा रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मार्शल पहाड़ों के रास्ते यूमा की तरफ बढ़ रहा होता है। रात होने पर सभी लोग वहाँ पर रात बिताने का सोचते हैं और वहाँ बैठ कर सब एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी वेड डैन से बोलता है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास इतनी अच्छी फैमिली है, तुम्हें उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। इनडायरेक्टली वेड डैन को गलत तरह से पैसे कमाने को बोलता है। डैन कहता है कि नहीं, मैं ऑनेस्टी से जीता हूँ और कमाता हूँ। इस पे वेड कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ऑनेस्टी जीने के लिए काफ़ी है। तुम्हारे कर्ज का असर साफ साफ तुम्हारे शादीशुदा ज़िंदगी पर दिखाई देता है। अगर तुम्हारी वाइफ मेरी होती तो मैं तुमसे बेहतर तरीके से उसे रखता, उसे सब कुछ देता जो उसे तुम नहीं दे सकते। इस पे डैन को गुस्सा आ जाता है और वो वेड को मारने लगता है। वेड स्माइल के साथ बोलता है कि तुम्हारा ये साइड मुझे पसंद आया। उसके कुछ देर बाद वहीं हम टकर को देखते हैं जो वेड के माँ को लेकर मजाक उड़ाता है क्योंकि वेड की माँ एक वैश्या होती है। पर उस वक्त वेड कुछ नहीं बोलता, पर जैसे ही सब नींद में होते हैं तभी वेड चम्मच से टकर की आंखें फोड़ देता है और उसके गर्दन में काट देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। उसकी आवाज़ सुनते ही सब उठ जाते हैं और वेड इतने गुस्से में होता है कि वो उसके मर जाने के बाद भी लगातार चम्मच से उसके मुँह पर मारता रहता है। सब उसको छुड़ाते हैं और टकर को वहीं दफना दिया जाता है। अब अगली सुबह सब लोग आगे बढ़ते हैं और रास्ते में वेड के गैंग मेंबर दूर से उन्हें आते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए वो रास्ता चेंज करने का फैसला लेते हैं। डैन बताता है कि एक रास्ता है जो पश्चिम से होकर जाता है और सीधा यूमा पहुंचता है। इस पे सब पूछते हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। उसमें से एक बताता है कि वो अपाची देश से होकर जाता है और अपाचीज वहाँ से किसी को भी जिंदा जाने नहीं देते, पर सिचुएशन को देखते हुए सब उस रास्ते पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डैन वेड से पूछता है कि तुमने टकर को ही क्यों मारा, मुझे या बटरफील्ड को क्यों नहीं। वेड कहता है कि उसने मेरा घोड़ा लिया था, क्यों तुम्हें टकर पसंद था। डैन कहता है कि नहीं। वेड कहता है कि टकर ने मुझे बताया था कि उसने तुम्हारे खेत को जला दिया था और फार्म हाउस को भी जला दिया था। ये सुनकर डैन कहता है कि हाँ, टकर बहुत गंदा आदमी था, पर ये सोचना कि वो मर जाए और असल में उसे मार देना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। वेड कहता है कि तुम बहुत भावुक इंसान हो। तभी बायरन वेड से कहता है कि तुम यहाँ सिर्फ मुझसे बात कर सकते हो और किसी से नहीं। इसके बाद मजाक में वेड बायरन को बताता है कि उसने टकर को चप्पल से कैसे मारा था। इस बात का जवाब देते हुए बायरन कहता है कि तुम एक कब्र खोदने वाले और एक वैश्या की पैदाइश से और क्या ही उम्मीद कर सकते हो। वेड ऐसा सुनकर गुस्से में आ जाता है और बायरन के गर्दन को पकड़कर उसके घोड़े से नीचे खींच लेता है, उसकी बंदूक छीन के उसके सिर पे तान देता है और सभी को अपनी अपनी बंदूकें नीचे फेंकने को बोलता है। सब लोग अपनी बंदूकें नीचे फेंक देते हैं और वेड बायरन को खाई में धक्का देता है। तभी पीछे से विलियम आके वेड के सर पे बंदूक तान देता है। वेड विलियम की आंखों में देखता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मुझ पे गोली चलाओगे जिसे तुम पसंद करते हो। और वेड डैन से कहता है कि तुम इसको समझाओ कि ये हमारे बीच में ना पड़े। विलियम से पूछता है डैन कि क्या तुम इस पे निशाना लगा सकते हो, और ऐसा सुनते ही विलियम वेड को हवा में फायर करके दिखाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस रात वो लोग अपाची एरिया में ही रुकते हैं। तभी वेड डैन को टॉयलेट ले जाने के लिए बोलता है। रास्ते में वेड डैन को बताता है कि आज मुझे लगा था कि विलियम गोली चला ही देगा, उसकी आंखों में मैंने मेरे जैसा जुनून देखा था। ये सुनते ही डैन वेड को कहता है कि नहीं, वो कभी भी तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता, विलियम शुरू से ही तहजीब के रास्ते पे चलता आया है। जैसे ही डैन पलटता है उसे वेड कहीं नहीं दिखाई देता। इधर उधर देखते वक्त डैन नीचे से उसे खींच लेता है और कहता है कि कुछ लोग यहाँ पे हमारा पीछा कर रहे हैं। डैन कहता है कि ये ज़रूर तुम्हारे आदमी होंगे, पर इस पे वेड बताता है कि अगर ये मेरे आदमी होते तो तुम अभी तक जिंदा नहीं बचते। वेड डैन से गन लेता है और उसके बाद बड़े ही चालाकी से सारे अपाचीज को मार देता है। और इन सब के चलते अब गन वेड के हाथों में आ गई होती है और वो मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। पर उसके हाथ में हथकड़ी होने के कारण वो आसपास ही किसी लोहार को ढूंढते ढूंढते रेलवे रोड वालों तक जा पहुँचता है। वेड की किस्मत ख़राब होती है क्योंकि वो उसी रेलवे रोड मार्शल से जाके टकराता है जिसके भाई को उसने मारा होता है। टकराते ही मार्शल बेन को पहचान जाता है और उसे बंदी बना लेता है। वेड को ढूंढते हुए बटरफील्ड और उसके सारे साथी वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वेड को उसके हवाले करने को बोलते हैं ताकि वो उसे सेंट्रल जेल में सार्वजनिक फांसी के लिए ले जा सके। पर मार्शल उसे खुद मारकर अपने भाई का बदला लेना चाहते हैं। डैन मार्शल को बताता है कि उसे वेड को यूमा कंटेंशन तक पहुँचाने के $200 की ज़रूरत है।
जिससे वो अपना आधा कर्ज उतार सके। और ये बोलते हुए डैन मार्शल के पास पहुंच जाता है। डैन वेट से इशारों में बातें कर रहा होता है और वो मौका परस्त होकर मार्शल पे अटैक कर देते हैं। वहां से भागते वक्त बटरफील्ड के साथी को गोली लग जाती है, जिसके साथ ही टीम में अब सिर्फ डैन और उसका बड़ा बेटा विलियम बच जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग यूमा पहुंच चुके हैं और ट्रेन कंटेंशन तक नहीं आई, इसलिए वो लोग वेट को एक होटल में रखने का तय करते हैं। इसी के साथ बटरफील्ड यूमा के लोकल मार्शल को भी बेन वेट के बारे में सूचना दे देता है और अपने दल में शामिल कर लेता है। डैन विलियम को यूमा के बॉर्डर पर वेट के पीछे आ रहे दोस्तों पर निगरानी रखने के लिए भेज देता है और साथ ही अपना ख्याल रखने को बोलता है। बटरफील्ड वहां के मार्शल को होटल रूम तक लाने के लिए जाते वक्त डैन के साहस को सल्यूट करता है। इतने में डैन और वेट दूर से देखते हैं कि बिस्ती पे काले बादल छाए हुए हैं और वहां बरसात होने वाली है, जिससे डैन की खेती में बढ़ोतरी होगी। तो इसलिए वेट उससे पूछता है कि डैन तुम $200 का क्या करोगे। डैन बताता है कि सूखे ने उसे बर्बाद कर दिया है, उसे बहुत सारे लोगों को कर्ज चुकाना है। वेट डैन से पूछता है कि क्या तुम अपने पैसों को दुगुना करना चाहोगे, जिससे तुम सारा कर्ज उतार कर नया खेत और 100 नई गाय खरीद सकते हो। पर जब डैन वेट से पूछता है कि तुम मेरी कीमत सिर्फ $400 लगाओगे, तो वेट उसे $1,000 देकर अपनी बंदूक नीचे करने को और वहां से चले जाने को कहता है। डैन वेट को मजाक करते हुए पैसे ना लेने के बहाने देता रहता है और वेट उसके बहानों का सटीक जवाब देता रहता है, जिस पे डैन काफ़ी हैरान हो जाता है और वेट को चुप रहने को कहता है। दरअसल डैन बेशक ही पैर से कर्जवान और लाचार इंसानों पर डैन दिल का साफ, ईमानदार और हौसलों का बुलंद इंसान है, जिसके कारण वो वेट की किसी भी बातों को नहीं मानता। तभी बटरफील्ड मार्शल और उसके दो पर्सनल गार्ड आ जाते हैं और अब ये लोग टोटल 5 हो जाते हैं। उधर विलियम दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि 9-10 गैंग मेंबर उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। चार्ली प्रिंस वहां पे पता कर लेता है कि वेट कहां पे है और वो होटल के नीचे आकर उसे पुकारता है। डैन कहता है कि तुम कोई भी होशियारी मत बरतना और सावधानी के साथ बात करना। चार्ली प्रिंस जो कि मेन गैंग मेंबर होता है, वो वहां के सभी लोकल से कहता है कि अगर किसी ने भी बेन वेट को पकड़ा तो उसे $200 कैश दूंगा, जिससे वहां 30-40 लोग और बंदूकें निकालकर खड़े हो जाते हैं। ये देखने के बाद लोकल मार्शल डर जाता है और अपने गार्ड्स के साथ सरेंडर कर देता है, जिसे उसके गैंग मेंबर वहीं गोलियों से भून देते हैं। वेट डैन को समझाता है और कहता है कि मेरे गैंग मेंबर को तुम्हारे बेटे और तुम्हें मारने में जरा भी देर नहीं लगेगी, तुम यहां से चले। उधर मार्शल और उसके लोगों को मरा देख बटरफील्ड भी अपने पैर पीछे हटाते हुए डैन को बोलता है कि तुम अब आजाद हो, और इसी के साथ डैन को अभी $200 लेकर वहां से जाने की परमिशन दे देता है। ये देखते ही डैन बटरफील्ड को बताता है कि आर्मी में भी उसे अपने पैर का मुआवजा $200 मिला था और वो $200 वहां से अपनी जान बचाकर भाग गए। इसीलिए डैन इस बार पीछे नहीं हटना चाहता, वो अपनी शर्तों को पूरी करे बिना नहीं जाएगा। डैन बटरफील्ड से वादा करवाता है कि तुम हॉलैंडर से मेरा कर्ज माफ करवाओगे और घर जाके मेरी बीवी को $1,000 दोगे, और साथ ही विलियम और बटरफील्ड को सामने वाले कमरे में छुपने को कहता है। बटरफील्ड को अपनी जान से ज्यादा उसूलों से प्यार नहीं होता और इसलिए वो उसकी सारी शर्तों को मान लेता है। डैन को पता है कि अब वो मरने वाला है, इसलिए वो अपनी आखिरी निशानी विलियम को उसकी माँ को देने को कहता है और साथ ही कहता है कि तुम हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पापा ने बेन वेट को जेल तक पहुंचाया है, जो आज तक कोई भी नहीं कर सका। डैन वेट को लेकर रेलवे कंटेंशन की तरफ निकल जाता है, जो कि आधा मील दूर होता है। डैन का दुश्मन पूरा यूमा बन चुका होता है, इसलिए सभी उस पर गोलियां चला रहे होते हैं। डैन आधे रास्ता पार करके गोदाम तक पहुंच जाता है, जहां जाके वेट डैन से कहता है कि मैं अब और आगे नहीं चल सकता। दरअसल डैन की संतुष्टि के लिए वेट उसे विलियम और बटरफील्ड से काफ़ी दूर ले आने में मदद करता है और कहता है कि यहाँ तुम्हें अब कोई नहीं देख रहा, इसलिए यहाँ से तुम अपने एक पैर का यूज़ करो और चले जाओ। पर डैन फिर भी उसकी बात नहीं मानता और गन के दम पर उसे डरा कर साथ चलने को कहता है। तो वेट उसकी गन छीन लेता है और डैन को खूब पीटता है और अपने हथकड़ी से उसका गला दबाने लगता है कि तभी डैन बताता है कि वो कभी भी हीरो नहीं रहा, आर्मी में उसने समर्पण किया। जो गोली डैन के पैर पर लगी थी वो उसके फौजी नहीं चलाई होती है। वो कहता है कि अगर ये बात मैं अपने घर पे बताऊं तो मेरे ही बेटे के आगे मैं अपना कभी सर नहीं उठा सकूंगा। ये सुनते ही वे डैन को छोड़ देता है और डैन की मदद करता है खुद को ही रेलवे तक पहुंचाने में।
जैसे ही डैन वेड को रेल वाली कैदियों के डिब्बे के पास ले जाता है, वेड खुद ही डिब्बे में चढ़ जाता है और डैन को कर दिखाने की बधाई दे ही रहा होता है कि तभी गैंग मेंबर पीछे से डैन को गोलियों से छलनी कर देते हैं। वेड डिब्बे से रुको रुको कहते हुए नीचे उतरता है और डैन के मुंह में खून की उल्टी देख वेड पास में पड़ी गन से अपने ही सारे गैंग मेंबर्स को मार देता है। ये सारा सीन देख बटरफील्ड और विलियम हैरान रह जाते हैं। नम आंखों के साथ वेड खुद भी ट्रेन में बैठ जाता है। इसी के साथ ये मूवी भावनाओं का एक नया नज़रिया दिखाकर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको स्टोरी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।